युक्ति यार मेरे को तो डर लग रहा है माँ हम दोनों कैसे देखे क्या कहेगी पता नहीं माँ तुम्हारे को अपनाएगी या नहीं मैं तुम्हारे शादी करके घर तो ले आया कम ऑन प्रेम तुम्हारी माँ अगर हमें रखेगी भी नहीं तो मेरे पापा के पास इतना पैसा है वो हमें रख भी लेंगे बड़ा घर भी दे देंगे और तुम घर जुम्हारी बन के रह लेना ना अभी शांति देवी मंदिर जाने के लिए दरवाजा खोलती है और अपने बेटे प्रेम और युक्ति को देख कर चिल्लाती है जोर से अरे प्रेम ये तू ने क्या कर दिया है ये किसे ले आया तू अरे माँ अब नाराज ना हो ये युक्ति है मैं युक्ति से बहुत ज्यादा प्यार करता था तो युक्ति मैंने शादी कर हम लोग अंदर चल के बात करते हैं ना माँ उसके बाद वो सब अंदर आ जाते हैं माँ युक्ति मेरी बॉस की बेटी है मैं युक्ति से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था। तो हमने शादी कर ली और युक्ति गर्भवती है माँ ये मुझे पहले बताना चाहिए था अरे बेटा ये तूने क्या कर दिया एक तो शादी कर दी ऊपर से गर्भवती है ये पहले से अरे माँ गुस्सा छोड़िए भी ना युक्ति बहुत अच्छी लड़की है आप प्लीज युक्ति को अपना लीजिए ना अरे प्रेम आप मेरे को ऐसा अपनाना तो पड़ेगा ही अब बहू तो बन के आ ही गई अब ये मेरे घर ओ माँ जी आपके घर में कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है एसी वगैरह नहीं है कि बहुत घुटन कर रखे है प्रेम मुझे अपने कमरे में ले चलो मुझे आराम करने में थक गई हूँ प्रेम युक्ति को अपने कमरे में ले जाता है वही दूसरी तरफ साक्षी और रिया आके अपनी सास से बोलती है अरे माँ जी देवं जी ने तो शादी कर ली ऊपर से कल्लू माई ले आए हमारे लिए हाँ माँ जी ऊपर से कल्लू माई तो प्रेगनेंट भी क्या करे अब अरे तुम दोनों चुप रहो वो बेचारी भूखी होगी जाओ उसके लिए कुछ बढ़िया सा खाना बना दो ताकि वो खाना खा ले उसके बाद साक्षी और रिया रसोई में मुंह बना के जाती है और युक्ति के लिए खाना बनाती है खाना काफी ज्यादा टेस्टी बनाने के बाद वो उनके पास आ जाती है हम देखो तुम्हारे लिए खाना लाए हैं मम्मी जी ने तुम्हारे लिए खाना भिजवाया नीचे से हेलो हाँ भैया आप आ गए ले आए मेरा ऑर्डर मैं आके अभी लेती हूँ आप सॉरी मैं ये घास मैंने चिकन ऑर्डर किया मैं चिकन ही खाऊंगी अपना घास रही नीचे अपना ऑर्डर लेने उसके बाद युक्ति नीचे जाती है और अपना ऑर्डर लेके आ जाती है अपने कमरे में बैठ के खाने लगती है ठीक है युक्ति तुम अपना चिकन ही खाओ हम ही लोग खा लेंगे सारा खाना मिलके उसके बाद सभी लोग खाना खा रहे होते हैं एकदम से साक्षी और उल्टी करने लगे उनको इतनी ज्यादा उल्टी आने लग लगती है कि वो वॉशरूम की तरफ भागते हैं वाशरूम में भी उल्टियां करने लगती हैं अरे माँ मुझे तो लग रहा है इन दोनों को ना फूड पॉइजनिंग हो गई है अरे बेटा तू गलत समझ रहा है ये तो खुश खबरी है तुम दोनों बाप बनने वाले हो बाप अरे मैं तो दादी बनने वाली हूँ तीन तीन बच्चे मेरे घर पे आने वाले है देखते ही देखते पाँच महीने बीत जाते है युक्ति शराब पीने लगती है सिगरेट पीने लगती है ये सब प्रेम देख लेता है अरे युक्ति ये क्या की तुम ये दारू और ये सिगरेट क्यों पी रही हो अरे हमारे बच्चे पे क्या असर पड़ेगा इसके बाद में भी तो सोचो ओ कमान प्रेम तुम तो चुप ही रहो दो कौड़ी के आदमी मेरे बाप के पैसों पर पलते हो है काम वाम तुम करते नो सारे पैसे पापा तुम्हें देते हो तुम्हें क्या परेशानी मेरे सिगरेट और ये दारू पीने से तभी शांति देवी अपनी बहू और अपने बेटे की लड़ाई सुन लेती है और एकदम से कमरे में आके अपनी बहू को देखती है अरे युक्ति बेटा ये ठीक तो बोल रहा है दारू का सेवन बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता बच्चे कमजोर होते हैं इससे ओ बुढ़िया तू तो चुप ही रह तुम दोनों मेरे कमरे से बाहर निकलो मेरे सर में दर्द कर दिया तुम दोनों ने सुबह सुबह अपना ज्ञान दे दे देखते ही देखते है, दिन बीतने लगते हैं युक्ति अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब में जाती है देर रात तक वो वहाँ पे ड्रिंक करती है पार्टीज करती है और अपने बच्चे से वो प्यार बहुत करती है पर वो अपने बच्चे के किया नहीं करती है है एकदम छत पे बैठ ड्रिंक कर देती तो उसकी जिठानिया देख लेती तो उसे बोलती है देखो युक्ति तुम बहुत दिनों से यही सब कर रही हो अरे बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता हो तो तुम एक माँ ही अपने बच्चों के बारे में भी तो सोचो ओ कमोन जेठानी जी आप तो अपना ज्ञान अपने पास ही रखे मैं अपने बच्चे का अच्छा बुरा जानती हूँ कुछ दिन बाद युक्ति के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है प्रेम उसको हॉस्पिटल लेके आता है और उससे कहता है युक्ति तुम परेशान मत हो अभी डॉक्टर आएगा तुम्हारे को फटाफट से ले जाएगी उसके बाद डॉक्टर आती है और युक्ति को ऑपरेशन रूम में ले जाती है तो डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और बाहर आके उसके साथ से कहते हैं आपकी बहू ने सिगरेट और दारू का कुछ ज्यादा ही सेवन कर लिया इस वजह से आपके बच्चे और आपकी बहू दोनों को ही बहुत ज्यादा खतरा है हमें आपकी बहू का फटाफट से ऑपरेशन करना पड़ेगा डॉक्टर साहब आपको जैसा सही लगेगा वैसा करिए बस मेरे बहू और बच्चे को बचा लीजिए थोड़ी देर बाद डॉक्टर युक्ति का सी सेक्शन कर देते हैं पर उसके बाद उसकी बहुत ज्यादा तबियत खराब हो जाती है उसका बच्चा भी बहुत ज्यादा कमजोर होता है इस वजह से उसके बच्चे को चाइल्ड सेक्शन में रखना पड़ता है ऑब्जर्वेशन के लिए वहीं उसी शाम उसके दोनों को भी पेट में दर्द उठने लगता है और एम्बुलेंस उन्हें अस्पताल में ले आती है और उसके बाद वो दोनों सुंदर से हस्त बच्चों को जन्म देती है आप सब मुझे माफ कर दीजिए आप सबने मुझे इतना समझाया पर मैंने आप में से किसी की भी एक बात नहीं मानी अगले ही दिन वो तीनों डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है उसकी चेठानी साक्षी उसके बच्चे का ध्यान लगती है। उसकी मालिश करती है कुछ दिन में उसका बच्चा एकदम हस्तपुष्ट हो जाता है उसके बाद युक्ति को समझ आ जाता है कि उसके घर वाले बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं वो अपने फैमिली के साथ खुशी खुशी रहने लगती है